तो और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, आज अपने पास मस्त दो टैबलेट्स हैं। ये तो थोड़े तगड़े टैबलेट्स हैं क्योंकि एक है मेरे पास Xiaomi Pad 6 और एक है OnePlus Pad, जो यहाँ पर OnePlus का एक एक्सपेंसिव टैबलेट सीरीज यहाँ पर रखा गया है। तो अगर दोनों टैबलेट की प्राइसिंग को कंपेयर करोगे तो साइड बाय साइड देख सकते हो, अच्छा खासा कंपेरिजन है। और अगर दोनों टैबलेट के यहाँ पर स्पेसिफिकेशन को देखोगे तो वहां पर भी अच्छे खासे डिफरेंस आते हैं, क्योंकि Xiaomi मिलता है हमको स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ में 870 और OnePlus Pad मिलता है हमें Dimensity के प्रोसेसर के साथ में। और अगर दोनों टैबलेट की अगर बैटरीज को भी कंपेयर करोगे तो वो भी यहाँ पर हल्का सा डिफरेंस है। तो आज यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं दोनों टैबलेट के अंदर गेमिंग, क्योंकि दोनों ईच टैबलेट पर हम लोग 45 मिनट की गेमिंग करने वाले हैं। और यहाँ पर चलो अभी देखते हैं दोनों टैबलेट पे ग्राफिक सेटिंग्स क्या मिलती है, क्योंकि जो Xiaomi Pad 6 है ना वहाँ पर हमको 60 FPS की मैक्स गेमिंग करने का मौका मिलता है, बट वहीं जो OnePlus Pad है ना वो स्मूथ पर 90 FPS अभी फिलहाल अनलॉक करके देता है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो अभी यहाँ पर हम लोग लेकिन करेंगे दोनों टैबलेट में 60 FPS की गेमिंग रख के करेंगे सेम ग्राफिक्स पर। तो सबसे पहले OnePlus Pad ले लेते हैं और उस पर हम लोग ने सेम मतलब स्मूथ पर 60 FPS रख दिया है, और जो टेम्परेचर है अभी यहाँ पर समवेयर 31 डिग्री के आसपास है, और जो बैटरी है वो 53% के आसपास है OnePlus Pad के अंदर। तो यहाँ पर जब हम लोग ने TDM इसके अंदर सबसे पहले चालू कर लेते हैं टाइमर लगा के, और इस पर मैंने ना अच्छे खासे गेमिंग ट्राई करके देखी है। लाइक मैंने यहाँ पर ज्यादा ज्यादा इतना नोटिस ये किया है कि इस पर ना मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 55 तक कभी कभार ड्रॉप हुआ है, वरना ये 60 मोस्ट ऑफ टाइम अच्छी तरीके से चलवा देता है। और एक चीज मैं मानता हूँ कि टैबलेट्स के अंदर गेमिंग करना थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन ऐसा है कि बहुत सारे यूजर है कुछ करते हैं गेमिंग और कुछ लोगों को इंटरेस्टेड है देखना कि कितना ज्यादा पावर डिलीवर कर पाते हैं। और टैबलेट्स के अंदर एक बात बहुत ज्यादा अच्छी होती है कि टैबलेट्स है ना गर्म नहीं होते, हीटिंग नहीं करते, क्योंकि अच्छा खासा बड़ा साइज होता है तो हीटिंग करने के लिए जगह हीट अच्छी खासी डिसिपेट हो जाती है, जिसकी वजह से कोई इश्यू ज्यादा आते नहीं है। तो यस, ये टैबलेट्स में एक फायदा होता है। और बड़ी स्क्रीन ऑफकोर्स डेफिनेटली एकदम जायंट स्क्रीन पे गेमिंग करना एक अलग ही लेवल तक का एक मस्त एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पर हम लोग ने अच्छे खासे तरीके से गेमिंग करा है TDM पर, तो अच्छी खासी। लेकिन अभी उसके बाद में जब मैंने इस पे रैंगल खेलना चालू किया था तो स्टार्ट में मुझे नोटिस हुआ कि जब प्लेन वगैरह से ड्रॉप होता है तो थोड़ा बहुत FPS ड्रॉप दिखता ही है, 43 तक तो दिखा, तो वो तो चलो मानते भी नहीं है। फिर जैसे लैंड किया तो 50 तक ये ड्रॉप कर रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा क्या हुआ। और एनिमी आसपास में अगर आते हैं तो वहां पर 50 FPS ये देना चालू करता है बाकी, लेकिन इतना है कि ओवरऑल यहाँ पर ये 50-60 ऐसे घूमते रहता है। बट मोस्ट ऑफ टाइम मैंने जो मोस्ट मतलब ना रेयरली जो ड्रॉप देखा था कभी कभी इसमें 45 तक का भी देखा है, तो ऐसे कंसिस्टेंट नहीं है इतना तो मैंने नोटिस करा है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पर टैबलेट्स के अंदर ज्यादा ऑडियंस है नहीं गेमिंग करने के लिए, उस हिसाब से हम लोग अगर बात करेंगे तो ठीक सी गेमिंग ये करवा देता है, अच्छे से मैं कहूंगा फिर भी करवा देता है। तो देखो अभी ऑलमोस्ट 45 मिनट का गेम प्ले कंप्लीट हो चुका है करते करते, लेकिन मैं आपको बैटरी ड्रॉप कितना हुआ क्या हुआ वो आपको मैं टेम्परेचर कितना बड़ा वो आपको मैं ना एंड में दोनों को साइड बाय साइड कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। अभी हम लोग ले लेते हैं Xiaomi Pad 6 जिस पर हम लोग सेम स्मूथ प्लस एक्सट्रीम 60 FPS की गेमिंग करेंगे, और टेम्परेचर यहाँ पर ये समवेयर जाएगा 32 डिग्री के आसपास में, और वहां पर जो बैटरी अभी इस पर है वो 71% की निकल कर आती है। तो यहाँ पर हम लोग ने जैसे TDM खेलना चालू किया तो TDM पर मुझे यहाँ पर तो एक चीज अच्छी लगी कि 55 से 60 वाले
FPS ऊपर नीचे करता रहा था, लेकिन ड्रॉप जहां तक मैंने जितना देखा है कभी वो 50 तक ये निकल कर दिया TDM के अंदर। इस पर एक है ना Xiaomi Pad 6 का जो ओरिएंटेशन या टैबलेट का जो डिजाइनिंग इतना अच्छा है कि वो हाथों में थोड़ा सा और कम्फी लगता है, क्योंकि थोड़ा सा ना चौड़े साइड का है, मोस्ट ऑफ जो मोबाइल्स वगैरह के जो एक्सपेक्ट रेशियो उस हिसाब से मैच करता है। OnePlus थोड़ा सा ना स्क्वेरिश टाइप का लगता है। बाकी यहाँ पर आपकी क्या चॉइस है वो आप लोग बता सकते हो कि Xiaomi Pad 6 है या फिर OnePlus Pad होगा, वो आप कमेंट करके डेफिनेटली बता देना। बट एक चीज है कि यहाँ पर अगर आपको एक चाहते हो ना एक अच्छी चीज कि गेमिंग पाठशाला बने इंडिया का या इवन छोड़ो वर्ल्ड का बेस्ट गेमिंग चैनल गेमिंग में, तो भाई डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना यार, और इवन लाइक कर देना वीडियो को, तो ताकि आप लोगों को ऐसे मस्त वीडियो में देता रहूं। फिर हम लोगों ने इरेंगल वगैरह चालू किया था ना, तब वहां पर एयरप्लेन से ड्रॉप होते टाइम पे कुछ 50 तक था, और लैंड जैसे किया तो 47 तक इसने ड्रॉप करा। फिर ना एनिमी अगर आसपास में आते तो 54 के FPS ये मतलब बीच में ड्रॉप कर जाता है, मतलब बेसिकली 55 से 60 वाली गेमिंग ये करवा के देते रहता है। और इतना नोटिस हुआ मुझे कि OnePlus से थोड़ी सी बेटर Xiaomi Pad 6 करवा रहा था, ये मेरा एक्सपीरियंस था जितना मैंने नोटिस करा था इसके अंदर। और इरेंगल वगैरह के गेमिंग वगैरह एक्सपेक्ट रेशियो इवन जो जायरोस्कोप वगैरह हो गए दोनों टैबलेट्स के अंदर वो अच्छी तरीके से आ जाते हैं। और ना मुझे एक चीज जरूर बता देना कि आप लोगों को क्या पसंद है, Xiaomi Pad 6 या फिर OnePlus Pad, वो आप अपने थॉट्स कमेंट में बता देना। या फिर अगर आप कोई और कंपैरिजन चाहते हो इन दोनों टैबलेट्स का किसी और टैबलेट्स के साथ में, तो कमेंट करके डेफिनेटली बता देना, मैं वीडियो जरूर से जरूर लेकर आऊंगा। तो चलो यहाँ पर फाइनली 45 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं गेमिंग करते करते, अभी कंपेयर करते हैं कि कितना क्या सीन हुआ टेम्परेचर में, खास करके सबसे पहले तो टेम्परेचर में इतना है कि OnePlus Pad गया था कुछ समवेयर 36 डिग्री के आसपास में, 34 से एक्चुअली कहेंगे 36 डिग्री के आसपास में था, और Xiaomi Pad था कुछ समवेयर 34 से 35 नियर बाय समवेयर निकल कर आया। तो टेम्परेचर में OnePlus Pad थोड़ा सा ज्यादा मुझे हल्का सा हीट लगा, मतलब जो 2 डिग्री का बात कहेंगे। बाकी रही बात बैटरी को लेकर, तो OnePlus Pad में बैटरी थी 53% की, 45 मिनट की गेमिंग के बाद में बैटरी आ गई 37% पर, यानी कि 16% का बैटरी ड्रॉप यहां पर हमको देखने मिला OnePlus Pad पर। और वही Xiaomi Pad 6 के अंदर 71% की बैटरी थी, 45 मिनट की गेमिंग के बाद में वो 62% आ गई, यानी कि 9% का बैटरी ड्रॉप हुआ। और डेफिनेटली यहां पर Xiaomi Pad 6 ने बैटरी बैकअप पे काफी ज्यादा अच्छा काम करा है, और OnePlus Pad मुझे यहां पर वीक लगा। तो भाई ये था दोनों टैबलेट्स का कंपैरिजन। अभी आप लोगों के क्या थॉट्स है, आपको कौन सा अच्छा लगा क्या बुरा लगा, वो सारा अपना एक्सपीरियंस आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हो। और कुछ अगर आपके कंपैरिजन की डिमांड होगी तो यार डेफिनेटली कह देना, मैं वीडियो आपके लिए बराबर लेकर आऊंगा। बाकी अगर आपको ऐसे मजा आता है ना भाई मस्त में ऐसी वीडियो देखना, तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय।